तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है कुप्पी और आज मैं फिर से आया हूँ अपनी ड्रैगन वाली दुनिया में। पिछले एपिसोड में मैंने इस वाले वर्ल्ड में 100 डेज तक सर्वाइव किया था और मैंने बोला था कि अगर इस वीडियो में आएंगे 20,000 लाइक्स तो मैं इस वर्ल्ड को आगे भी कंटिन्यू करूंगा। और भाई तुम लोगों ने तो उस वीडियो में क्या ही प्यार दिखाया और 20 की जगह पे ऑलमोस्ट 40,000 लाइक्स होने वाले। इतनी खुशी। मेरे को इस वीडियो को बनाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा टाइम लगा है, इसीलिए इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ मैं 30,000 लाइक्स का। होपफुली इस बार भी तुम लोग इसको पूरा कर दोगे। लाइक एम पूरा होने के बाद 300 डेज का वीडियो भी जरूर आएगा। और भाई तुम लोग हमेशा सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हो, तो इस बार जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्लोज है 500,000 सब्सक्राइबर्स यानी कि 500,000 सब्सक्राइबर्स के। तो बहुत हो गई बातें, फटाफट से अपने वीडियो को शुरू करते। तो पिछले 100 डेज में हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया था। हमें बहुत सारे किस्म के ड्रैगन के अंडे मिले थे और उनमें से कुछ अंडे को मैंने अपने इंक्यूबेटर में डाल के हैच भी कर लिया था। और उनको हैच करने से मेरे को बहुत सारे किस्म के ड्रैगन्स मिल गए थे और इन सारे ड्रैगन्स में से मैंने 2 ड्रैगन को बड़ा किया था। उनमें से एक था शैडो जिसके ऊपर मैं अभी बैठ के उड़ रहा हूं। और मेरा दूसरा ड्रैगन का नाम था कोको, जो कि मेरे को इतना पसंद आया कि मैंने अपने रियल लाइफ वाले डॉगी का नाम भी कोको रख दिया है। और ये क्या कर रहा है भाई कोको। तो मैंने छोटा सा राइड लिया शैडो का और उसके बाद अपने एरिया को देखने लगा क्योंकि भाई इतना टाइम हो चुका है मैं इस वर्ल्ड में आया नहीं था और मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था भाई मेरा सराउंडिंग के जाए। तो पहला दिन तो मैंने अपने आजू बाजू का एरिया को देख के ही बिताया और अपने सारे पुराने याद को ताजा कर लिया। मैंने बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाए थे, मेरा छोटा सा काऊ का फार्म भी था और इधर पे मेरा गेहूं का फार्म था जो कि मैंने उछल उछल के बिगाड़ दिया थोड़ा सा। और तुम लोग देख सकते हो इधर पे मेरा चिकन का फार्म है जिधर से बहुत सारे चिकन्स मिलते थे मेरे को और ये सारे चिकन्स को मैं अपने ड्रैगन्स को खिलाता था। और फाइनली ये रहा मेरा छोटा सा घर जो कि मैंने कुछ प्राणियों से उनको मार के लिया था आई गेस। वैसे भी मेरे को बिल्ड करना थोड़ा बोरिंग लगता है तो मेरे को एक बना हुआ घर मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ले लूं। और इधर पे अंडरग्राउंड पे मैंने स्टोरेज रूम बनाया था जिधर पे मेरे बहुत सारे सामान पड़े हुए थे, बट मैंने इन सामान को मैनेज करके नहीं रखा था। मेरे को इन सारे सामान को ना सबसे पहले तो अच्छे से सॉर्ट आउट करना था और इसके लिए सबसे पहले तो मैं बनाने वाला था एक ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम जिसके अंदर ना ये सारे सामान कनेक्टेड होंगे और बस सर्च करके मेरे को जो भी सामान चाहिए मैं अपने चेस्ट में से निकाल सकता हूँ। और मैं एक रिमोट को भी क्राफ्ट कर सकता था जिसके मदद से मैं कहीं से भी अपने स्टोरेज को एक्सेस कर सकता हूँ। और तुम लोग देख सकते हो ये रिमोट बनाना काफी महंगा था, इसके लिए मेरे को एक नेदर स्टार चाहिए था जो कि सिर्फ विजर को मारने से ही मिलता है और ये पर्पल वाले ब्लॉक्स तो सिर्फ एंड डायमेंशन में ही मिलते हैं। इसका मतलब मेरे को इस रिमोट को बनाने के लिए विजर और एंडर ड्रैगन दोनों को ही मारना था और मैंने अपने पहले 100 डेज में तो इन दोनों को ही नहीं मारा था क्योंकि उधर पे कुछ और बोसेस थे। बट अभी के लिए मैंने कुछ स्टोरेज केबल और स्टोरेज सिस्टम बना लिया और सारे चेस्ट को कनेक्ट कर लिया और तुम लोग अभी देख सकते हो मैं अपने पूरे चेस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। बट इसके लिए मेरे को इधर पे आना होगा, बिना रिमोट का मैं दूर से सब नहीं कर सकता, इसीलिए रिमोट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वैसे तो मैं कुछ सस्ते वाले रिमोट भी बना सकता था बट ये सारे रिमोट्स मैं दूसरे डायमेंशन में यूज नहीं कर सकता था और ये उतना पावरफुल नहीं थे, तो मेरे को डायरेक्टली सबसे पावरफुल वाला रिमोट ही बनाना था। मेरे पास कुछ गोल्ड भी पड़े हुए थे तो मैंने उनको लेके नेदर में चला गया और तुम लोग देख सकते हो मेरे पास अच्छा खासा डायमंड का आर्मर सेट हो चुका था जो कि मैंने अपने पहले 100 डेज में बना लिया था। और गाइस मजे की बात है कि इधर पे ना मैं पिगलिन से गोल्ड को ट्रेड करने आया था और ये बहुत पुरानी वर्जन की माइनक्राफ्ट है, इधर पे पिगलिन होते ही नहीं थे। तो भाई मैं चुपचाप वापस अपने घर पे चला आया और सो गया। फिर अगले दिन मैंने अपने इन्वेंटरी को चेक किया कोई अच्छा सा स्वॉर्ड के लिए और मेरे पास सिर्फ एक डायमंड का स्वॉर्ड था जो कि अच्छा था पर उसमें लूटिंग नहीं था। फिर मेरे को अपने बैकपैक में एक लूटिंग 3 वाला आयरन का स्वॉर्ड मिला जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था क्योंकि मेरे को बहुत सारे एंडर पर्ल्स की जरूरत पड़ने वाली थी एंड में जाने के लिए। तो फिर मैं अपने शैडो के ऊपर बैठा और चले गया एंडरमैन को ढूंढने और कुछ दिन तक ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली कुछ एंडरमैन भी मिलने लग गए थे और मैंने अपने पहला एंडरमैन को मारा और उसको मारने से मेरे को एक एंडर पर्ल और साथ साथ एक लाल वाला हार्ट भी मिल गया था जिसका नाम रेड हार्ट था। और ये हार्ट बाद में जाके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक मैंने बहुत सारे एंडरमैन को मारे और मेरे पास इन टोटल 12 एंडर पर्ल्स हो गए थे। मैंने अपने पहली वाले 100 डेज में ही कुछ ब्लेज रॉड्स को भी कलेक्ट कर लिया था तो मैंने उन ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर बना लिया और फिर मैंने उन दोनों को यूज करके कुछ आईज ऑफ एंडर बना लिया और फिर निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। और अगर तुम लोगों ने मेरा कोको ड्रैगन नहीं देखा है तो ये रहा मेरा कोको ड्रैगन, ये मेरा इस वर्ल्ड का पहला ड्रैगन था इसलिए बहुत प्यार करता हूँ यार मैं इससे। और लास्ट वाले एपिसोड में इसने मेरे को कई बार बचाया है इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कुछ दिनों तक ट्रैवल करने के बाद मेरे को फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल गया और स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने उधर के लाइब्रेरी को चेक किया और उधर भी मेरे को एक और बैकपैक मिला जो कि मैंने उठा लिया। उधर से मैंने कुछ बुक्स को भी ले लिया और मेरे को फाइनली एंड पोर्टल फ्रेम भी मिल गया था तो उधर मैंने अपने सारे आइस को लगा दिया और एंड पोर्टल खुल गया। भाई पहली बार मैं किसी भी वर्ल्ड में इतना लेट एंड ड्रैगन को मार रहा हूँ, इधर पे 130 डेज होने वाले है।
बट चलो देरी सही, एंड ड्रैगन तो आखिरकार मरने ही वाला है। मेरे पास कोई भी एरोज नहीं थे इसलिए मैं ब्लॉक्स को लगा लगा के अपने एंडर पल्स को यूज कर करके एंड क्रिस्टल्स को तोड़ रहा था। और अभी तक मेरे को ये अकल नहीं आया था कि मैं आराम से अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के इन सबको तोड़ सकता हूँ। आधे एंड क्रिस्टल्स को तोड़ने के बाद ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और फिर उसके बाद मैंने अपने कोको को समन कर लिया और फिर उसके ऊपर बैठ के एक एक करके बाकी के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ने लगा। तो मैंने सारे के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ दिया है, अब बस मेरे को इस ड्रैगन को मारना है जो कि भाई बच्चों का खेल है अभी तो मेरे लिए। तो मैंने आसानी से ड्रैगन को भी मार दिया और ड्रैगन को मारने के बाद मेरे को बहुत सारा एक्सपी और एक ग्रीन हार्ट भी मिल गया था। और ये वाला हार्ट बहुत ही रेयर होता है और मेन बॉस को मारने पर ही मिल जाता है। मेरे को ग्रीन हार्ट के साथ साथ कुछ ड्रैगन के स्केल्स भी मिल गए थे और ये स्केल्स भी बाद में जाके मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने एंड को तो कंक्वायर कर लिया था पर अभी भी मेरे को एंड डायमेंशन में जाना था, क्योंकि एंड डायमेंशन में मेरे को वो पर्पल वाले ब्लॉक्स मिलने वाले थे जो कि मेरे को अपने रिमोट बनाने के लिए काम आने वाला था। और इस बार मेरे साथ कोको था इसीलिए मैं उसके ऊपर बैठ के इजीली एंड को एक्सप्लोर कर सकता था। और एक्सप्लोर करते करते मेरे को एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा और इस स्ट्रक्चर में वो ब्लॉक्स पड़े हुए थे जो कि मेरे को अपने रिमोट बनाने के लिए चाहिए थे। तो मैंने फटाफट से उधर से कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिया और फिर अपने एंड डायमेंशन पोर्टल के ओर बढ़ा। और जब मैंने अपने एंड डायमेंशन पोर्टल में एंडर पर्ल को फेंका तो भाई शायद कुछ ग्लिच हुआ या फिर पता नहीं मैं उधर ही आ गया, मैं अपने दूसरे डायमेंशन में जा ही नहीं पा रहा था। मैंने बहुत बार एंडर पर्ल्स को फेंका बट हर बार मैं इसी डायमेंशन में आके गिर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं इधर ही हमेशा के लिए स्टक हो चुका हूँ। बट मेरे को पता था कि कुछ और भी ऐसे एंड डायमेंशन पोर्टल्स होते हैं एंड में, तो मैं उनको ढूंढने के लिए उधर से निकल गया। और उसी दौरान मेरे को एक बहुत ही बड़ा वाला एंड सिटी भी मिल गया। वैसे तो मैं इलेट्रा लेना नहीं चाहता था क्योंकि बिना इलेट्रा का भी मैं इस वाले वर्ल्ड में उड़ सकता हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो आ ही चुके हैं तो ले लेते एक इलेट्रा भी। तो उस एंड सिटी को अच्छे से लूटने के बाद मैं उधर से निकल गया फिर से एंड डायमेंशन पोर्टल ढूंढने के लिए। और कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद मेरे को फिर से एक और एंड डायमेंशन पोर्टल मिल गया और उधर पे मैंने जब एंड पल को मारा तो मैं सक्सेसफुली वापस एंड वर्ल्ड में आ गया था। भाई साहब एक बार के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं उधर पे भी फंस चुका हूँ, बट थैंकफुली वो नया वाला एंड डायमेंशन पोर्टल ने काम किया और मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आ पाया। अब अगली चीज जो मेरे को चाहिए था अपनी रिमोट बनाने के लिए वो था एक नेदर स्टार और उसके लिए मेरे को एक विदर को मारना था और मेरे पास सिर्फ एक ही विदर का हेड था और ये हेड भी मेरे को पिछले 100 डेज में एक्सप्लोर करते हुए एक टेंपल में मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक्सप्लोर ही कर लेते हैं, शायद यही आसान होगा विदर स्केलेटन्स को मारने से। तो मैं फिर से एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गया और कुछ टाइम बाद मेरे को फिर से उसी तरह का टेम्पल भी मिल रहा था। मेरे को काफी जल्दी दो टेम्पल्स मिल गए और उन दो टेम्पल्स में से मेरे को और दो विदर स्केलेटन्स के हेड मिल गए थे। मेरा आर्मर भी टूटने वाला था तो मैंने उनको भी रिपेयर कर लिया और फिर नेदर में चला गया सोल सैंड को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब मैं स्पॉन करने वाला था विदर को। बट उससे पहले मेरे को एक और चीज बनानी थी जो कि ये वही स्टोन, और ये एक ऐसी चीज है ना जिसको यूज करके मैं कितना भी दूर वाला डिस्टेंस हो एक ही सेकंड में ट्रैवल कर सकता हूँ। और ये वही स्टोन को बनाना भी काफी आसान था तो मैंने फटाफट से उसको बनाने के लिए सारे चीज को इकट्ठा कर लिया और फिर एक वही स्टोन बना लिया। मैंने उस वही स्टोन को अपने ही घर में प्लेस कर लिया और उसको होम करके नाम दे दिया और फिर एंड में चला गया विदर को मारने के लिए। मैंने विदर को बेड रॉक के नीचे स्पन कर दिया और फिर उसको मारना, भाई तुम लोगों को पता है ये कितना आसान होता है, वो खुद ही मर जाता है। और उसको मारने से मेरे को एक येलो हार्ट और एक नेदर स्टार भी मिल गया था। फिर मैंने एक और वही स्टोन बनाया और उसको एंड में प्लेस कर दिया और अब मैं जब मर्जी कुछ ही सेकंड्स में एंडर घर में ट्रैवल कर सकता था। अब मेरे पास सारे सामान हो गए थे क्राफ्टिंग रिमोट बनाने के लिए, तो मैंने उस रिमोट को भी क्राफ्ट कर लिया और मैं किसी भी डायमेंशन से कितने भी डिस्टेंस से आसानी से अपने घर के स्टोरेज को एक्सेस कर सकता था। फिर मैंने एक वॉप स्टोन बना लिया जिसकी मदद से मैं सीधा वही स्टोन तक टेलीपोर्ट कर सकता था। तो मैंने उस वॉप स्टोन को चेक करने के लिए एंड में टेलीपोर्ट किया और मैं सक्सेसफुली टेलीपोर्ट तो हो गया था बट इसका पावर खत्म हो गया था, तो इसको चार्ज होने में कुछ टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए मेरे को अपने एंड पोर्टल से वापस आना पड़ा अपने ओवरवर्ल्ड में। और घर आने के बाद मैंने एक रिकॉल पोशन करके पोशन बना लिया जिसको यूज करके ना मैं सीधा अपने घर तक कभी भी आ सकता था और ये शायद मेरा इमरजेंसी में हेल्प कर सकता है। और उसके बाद मेरा अगला प्रोजेक्ट था बहुत सारे मशीन को बनाना, क्योंकि इन सारे मशीन को यूज करके ना मैं एक बहुत ही ओपी वाला मशीन बना सकता था। तो मैंने अपना सबसे पहला वाला मशीन बनाया जो कि था एक मेटालर्जिक इन्फ्यूजर, बट इसको चलाने के लिए मेरे को इसको कुछ पावर भी देना पड़ता था और इसको पावर देने के लिए मेरे को बनाना था कुछ जनरेटर। और अभी तो मैं सिर्फ एक ही टाइप का जनरेटर बना सकता था जो कि था हीट जनरेटर। तो मैंने एक हीट जनरेटर को भी बना लिया और उसको अपने मशीन से कनेक्ट कर लिया। अब मेरे को इस जनरेटर के अंदर फ्यूल डालना था बट मेरे पास बहुत ही कम कोल थे इसीलिए मैं नेदर में चला गया लावा लेने के लिए, क्योंकि भाई लावा तो बहुत ही ओपी फ्यूल सोर्स होता है। मैं कोको के ऊपर बैठ के एक लावा पुल को ढूंढने लगा और कुछ ही टाइम में मेरे को एक लावा पुल भी मिल गया। तो उधर से मैंने बहुत सारा लावा को अपने बैग में फिल कर लिया और फिर वापस ओवरवर्ल्ड में चला आया और अपने हीट जनरेटर के अंदर वो लावा को डालने के बाद तुम लोग देख सकते हो कुछ पावर भी जनरेट होना शुरू हो गया था। और एक और तरीका था पावर जनरेट करने का, मेरे को ना लावा को अंदर की जगह पे इसे ऊपर डालना था और ये करने पर भी थोड़ा सा पावर जनरेट हो जाता था और इस तरह से मेरा लावा भी कभी खत्म नहीं होने वाला था। तो मैंने यही वाला सेटअप को बना लिया ताकि ना मेरे को बार बार नेदर में लावा लेने के
के लिए जाना ना पड़े और धीरे धीरे करके मेरे पास कुछ पावर भी जनरेट हो रहा था, बट ये मशीन बहुत ही स्लो था इसलिए मेरे को जल्दी से ना इसको अपग्रेड करना था विंड वाले पावर में। तो मैंने फटाफट से विंड जनरेटर बनाने के लिए सारे सामान को तैयार कर लिया और फाइनली मैंने अपना पहला विंड जनरेटर भी बना लिया और अब मैं अपने सारे मशीन को इसी विंड जनरेटर से पावर कर सकता था। और तुम लोग याद है मैंने एक ओपी मशीन बनाने का बात किया था, वो वाला मशीन यही है, एक डिजिटल माइनर। इसको यूज करके मैं अपने जमीन के अंदर के सारे रिसोर्सेस को बिना माइन करे ही बाहर निकाल सकता हूँ। और शायद तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, मेरा एक्सपी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और इसका रीजन ये है कि इस वाले वर्ल्ड में ना नेदर से ओवरवर्ल्ड आने पे मेरा एक्सपी ग्लिच हो जाता था बार बार और दिखता ही नहीं था मेरा एक्सपी। और इसको फिक्स करने के लिए मेरे को अपने गेम को रिस्टार्ट करना पड़ता था। तो इस सीरीज में तुम लोगों को मेरा एक्सपी बार बार जीरो दिख सकता है, इसको इग्नोर कर देना प्लीज। तो फिर मैं लग गया अपने डिजिटल माइनर को बनाने के लिए और उसको बनाने के लिए मेरे को बहुत सारे चीजें बनाना था, बहुत सारा पावर सोर्सेस बनाना था और बहुत सारा ग्राइंड करने के बाद फाइनली मैंने अपने लिए एक डिजिटल माइनर बना लिया। और ये जो चीज है ना डिजिटल माइनर, ये गेम चेंजर है गाइस। इस मशीन में ना मेरे को बस कुछ सैंपल्स देना है ओर्स का और भाई बैठे बैठे ये मशीन सारे के सारे ओर्स को जमीन के अंदर से निकाल के मेरे को दे देता है। बस दिक्कत की बात यह है कि ये मशीन ना बहुत ही स्लो काम कर रहा था। तुम लोग देख सकते हो भाई, एक ओर को माइन करने में भी इसको 3-4 सेकंड लग रहे थे। बट इसका भी सोल्यूशन था मेरे पास, मेरे को ना कुछ अपग्रेड्स बना के इसके अंदर डालना था और उन अपग्रेड्स को डालने के बाद ये मशीन भी फटाफट काम करने लगेगा। तो मैंने बहुत सारी स्पीड के अपग्रेड्स बना लिया और अपने सारे मशीन के अंदर लगा दिया। और इन सारे अपग्रेड्स को लगाने के बाद तुम लोग देख ही सकते हो भाई, अब मेरा मशीन कितना फास्ट काम करने लगा है। मेरे को धड़ाधड़ ओर्स मिल रहे थे और अब तो मेरे को ना रिसोर्सेस का कभी भी कमी नहीं आने वाला है इस वाले वर्ल्ड के अंदर। बट अब मेरे को ना पावर का कमी होने लगा था क्योंकि मेरे मशीन बहुत जल्दी काम कर रहे थे और उस हिसाब से मेरे को पावर नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैंने कुछ एनर्जी अपग्रेड्स बना लिया और अपने मशीन के अंदर उन अपग्रेड्स को डाल दिया। और अब इनको डालने के बाद मेरे मशीन कम पावर ले रहे थे और अभी मेरे को ठीक ठाक पावर मिल रहा था। और फिर मैंने इन सारे मशीन को यूज करके एक ऐसा सेटअप बनाया जिस सेटअप को यूज करके ना मैं बस एक ओर से 3 इंगर्ट्स निकाल सकता था। बट इन सारे मशीन को चलाने के लिए अभी भी पावर कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने और भी बहुत सारे विंड जनरेटर्स बना लिया और उन सारे को कनेक्ट कर लिया। और अब इन सारे जनरेटर्स से मेरे को दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली थी और अब मेरे को ना कभी भी पावर का कमी नहीं होने वाला था। फिर मैंने अपने फसल को थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लिया और उधर से मिले हुए सारे सीड्स को अपने चिकन्स को दे दिया। और तुम लोग देख सकते हो भाई, मेरे पास बहुत सारे चिकन्स हो चुके थे और मेरे पास बहुत सारे अंडे भी थे। इन सारे को यूज करके मैं बाद में चिकन्स को हैच कर सकता हूँ और उन चिकन्स को अपने ड्रैगन्स को खिला के उनको बड़ा कर सकता हूँ। अपने डिजिटल माइनर में सारे अपग्रेड्स डाल के उसको भी मैंने मैक्स कर दिया था। और फिर मैंने बना लिया एक ऑटोमेटिक डिसेंबलर जो कि एक बहुत ही ओपी टूल होता है और इससे ना मैं पेड़ को भी तोड़ सकता हूँ, पत्थर को भी तोड़ सकता हूँ, डॉट को भी तोड़ सकता हूँ, मतलब ये हर एक टूल का काम करता है। तो मैंने ये बहुत ही ओपी वाला टूल बना लिया था। मेरे को अभी तक पावर का कमी पड़ रहा था इसलिए मैंने कुछ और विंड जनरेटर्स को बना लिया और उन सबको भी कनेक्ट कर लिया। मैंने अपने डिजिटल माइनर में भी चेस्ट को कनेक्ट कर लिया ताकि मेरे सारे सामान सीधे उन चेस्ट के अंदर जाए। और फिर मैंने एक और एनर्जी क्यूब बना लिया और उसको भी मैक्स आउट कर लिया ताकि मेरा एनर्जी इधर स्टोर होता रहे। और भाई मेरा डिजिटल माइनर ना ऑब्सिडियन को भी माइन करता था। तुम लोग देख सकते हो भाई, मेरे डिजिटल माइनर लिटरली ऑब्सिडियन को निकाल रहा है जमीन के अंदर, वो भी इतने जल्दी। मेरे को ऑब्सिडियन चाहिए था एक डिसइंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए क्योंकि मेरे को अपने आयरन के टूल्स के अच्छे इंचेंट्स को निकालना था और उनको अपने डायमंड के टूल्स में लगा देना था। तो मैंने अपने सारे गंदे सामान के इंचेंट्स को निकाले और अपने मेन सामान में लगा दिया। फिर मैंने एक बूट बना लिया जिसको पहनने पे मेरे को कोई भी फॉल डैमेज नहीं मिलता था। मैंने उसको चार्ज कर लिया और फिर एक एंडर स्टाफ भी बना लिया और इसको यूज करके मैं उड़ सकता था बट मेरे को फॉल डैमेज मिलता था इसलिए मैंने वो बूट्स बनाए थे। तो मैंने उन बूट्स को पहन लिया और फिर मेरे को अब कोई भी फॉल डैमेज नहीं मिलने वाला है और मैं आराम से उड़ उड़ के ट्रैवल कर सकता हूँ। भाई कितना फास्ट होता है इस चीज को यूज करके ट्रैवल करने पे। अब मेरे को बहुत सारा नेदर स्टार को कलेक्ट करना था और उसके लिए मेरे को बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारने थे, इसलिए मैं नेदर में चला गया विदर स्केलेटन्स को ढूंढने। मेरे को एक फोर्ट्रेस मिला और उसके अंदर मेरे को एक लकी हॉर्स शू करके गैजेट मिला और उसको पहनने के बाद अब मेरे को कोई भी फॉल डैमेज नहीं होने वाला है। इस बार ना मैं असल में नेदर में आया था एक विदर स्केलेटन का स्पॉनर ढूंढने के लिए, बट इस फोर्ट्रेस में मेरे को सिर्फ एक ब्लेज का स्पॉनर मिला तो मैंने उसी को ले लिया और उधर से निकल गया। बट उसको हाथ में उठा के चलने में ना मेरे को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी। उसको हाथ में लेके मैं अपने ड्रैगन के ऊपर भी नहीं बैठ सकता था और मैं अपने पोर्टल से बहुत ज्यादा दूर था। तो मेरे को एक चीज को चेक करने का मन हुआ, मेरे पास एक सिल्क टच वाला पिकैक्स था तो मैंने सोचा कि चलो इसको तोड़ लेते सिल्क टच से और अपने इन्वेंटरी में रखते। बट उसको तोड़ने पे वो स्पॉनर ही डिस्ट्रॉय हो गया और मेरे को कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए मैं उधर से फिर से निकल गया एक नया स्पॉनर को ढूंढने के लिए। और इस बार मेरे को मिला एक सोल सैंड वैली वाला नेदर फोर्ट्रेस और सोल सैंड वैली वाला फोर्ट्रेस में ऑब्वियसली बहुत सारे विदर स्केलेटन्स होते हैं। बट इस फोर्ट्रेस में मेरे को एक विदर स्केलेटन का स्पॉनर ही मिल गया था। बट दिक्कत की बात यह थी कि मैं अपने पोर्टल से ना बहुत ज्यादा दूर था और अपने पोर्टल तक पहुंचने के लिए मेरे को बहुत सारे लावा पूल को क्रॉस करना पड़ने वाला था। और भाई पता नहीं क्यों मैं सीधा लावा पूल के अंदर घुस ही जा रहा था और एक बार तो मैं ना ऑलमोस्ट ही मर गया था। तुम लोग देख सकते हो मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। और भाई मेरे पास फायर प्रोटेक्शन भी नहीं था बट फिर भी मैं इतने टाइम तक लावा के अंदर कैसे जिंदा रहा मेरे को पता नहीं है यार, पर फिर भी मैं ऐसे तैसे करके बच गया। और अब इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता था क्योंकि भाई
ये पॉसिबल ही नहीं था, तो मैंने ना अपने स्पॉनर को उधर पे ही रख दिया। और फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ भाई, उधर पे दो विदर स्केलेटन स्पॉन हो गए थे, तो मैंने एक को मारा और मेरे को एक विदर हेड मिला, और फिर मैंने दूसरे को मारा और भाई साहब मेरे को ना दो विदर स्केलेटन को मारने पे लगातार दो विदर हेड मिल गए थे। कितना लक्की था मैं, मेरे पास ऑलरेडी 4 विदर स्कॉल्स हो गए थे। बट अभी ना मैं अपने स्पॉनर को वापस घर तक नहीं ले जा सकता था, इसीलिए मैं घर पे आया और अपने लिए एक जेट पैक बना लिया। और ये एक ऐसा चीज है ना जिसको पहन के मैं उड़ सकता हूँ, तो मैंने अपने जेट पैक में फ्यूल को डाल दिया और फिर उसको अपग्रेड भी कर लिया आर्मर जेट पैक में, ताकि मेरे को थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिल जाए। और अब मैं फाइनली वो स्पॉनर को अपने हाथ में कैरी करके उड़ के वापस अपने बेस तक ला सकता था। तो मैं फिर से नेदर में चला गया, उस स्पॉनर को हाथ में उठा लिया और फिर तुम लोग देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा लावा पुल को क्रॉस करके मैं वापस अपने पोर्टल तक आ गया था। मैंने उस स्पॉनर को लेके वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया और अभी के लिए उसको एक पेड़ के ऊपर रख दिया, क्योंकि ना बाद में जाके मैं उसका फार्म बनाने वाला हूँ। फिर मैंने अपने बैटरीज को चेक किया और मेरे दोनों बैटरीज ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो गए थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा दूर गया और अपने माइनर से माइन करना शुरू किया। और भाई मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करना भूल गया था, बट इधर पे ना मैं एक्सप्लोर करते करते एक बैराको के एरिया में पहुंच गया था, और मेरे को लगा था कि बैराको मेरा दोस्त बन गया है, क्योंकि लास्ट 100 डेज में हमारा इसके साथ अच्छा डील हुआ था। बट भाई ये फिर से मेरे को अटैक करने लगा, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया था बट फिर भी ये मेरे को अटैक कर रहा था, और इसने ना मेरे शैडो को भी मार दिया। और भाई अब तो बात बदले पे आ चुकी थी, और अब मेरे को ना अपने शैडो का खून का बदला लेना था इस सन चिप से, तो मैंने भी उसको अटैक करना शुरू किया। और उसको मारना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा बड़ा फायर का बीम फेंकता था, लावा फेंकता था। भाई तुम लोग फाइट को देखो यार, उसने ना मेरे को सब तरह के अटैक किया, और कई बार तो मैं मरते मरते बचाऊं, तुम लोग ये फाइट को देखो यार। और मेरे पास फ्रोस्टमो को मारने पे एक गैजेट आया था, तुम लोगों को शायद याद होगा, तो मैं उसको भी यूज करने का ट्राई कर रहा था, बट उसका भी ये सन चिप पे कोई असर नहीं हो रहा था, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था उस गैजेट के पावर से। और इस फाइट में ना मेरे को मेरा जेट पैक ने बहुत ही ज्यादा मदद किया, उस जेट पैक की वजह से मैं उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था और उसको उड़ उड़ के मार पा रहा था। और फाइनली मैंने अपने कुलाड़ी से उसके सर पे अटैक किया और सन चिप मर गया था। और उस सन चिप ने मरने पे बहुत सारे अच्छे खासे सामान को ड्रॉप किया, और उनमें से सबसे अच्छा सामान था ग्रेनेड, और उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि चार ग्रीन आर्ट्स को ड्रॉप किया था। इसका मतलब मेरे पास इन टोटल 5 ग्रीन आर्ट्स हो गए थे। मैंने बैराको के घर से बहुत सारे हेवेल्स को भी कलेक्ट कर लिया और फिर अपने कोको के ऊपर बैठ के वापस अपने माइनर के ओर बढ़ने लगा। और अब तक मेरे पास बहुत सारे आयरन और गोल्ड हो गए थे, और इतने आयरन से भाई मैं अपना बीकन को भी तैयार कर सकता था। वैसे भी सारे ओर्स ना मैं 3 times मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अपने मशीन में डाल के, तो मैंने उन सारे ओर्स को अपने मशीन में डाल दिया। और अभी कुछ ही टाइम में मेरे पास बहुत सारे आयरन होने वाले है, और फिर मैंने अपने माइनर को ना रेडस्टोन को माइन करने के लिए बोला, मतलब कि भाई मेरे को कुछ भी चाहिए मैं अपने माइनर को बोल सकता था, डायमंड आयरन गोल्ड लैपिस भाई कुछ भी चाहिए, मेरे पास इन्फिनिट था इस वर्ल्ड में, क्योंकि मेरे पास डिजिटल माइनर था। तो इन सब का सदुपयोग करने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इन सब का एक एक बीकन बनाऊंगा, पर उसके लिए मेरे को बहुत सारा नेदर स्टार चाहिए था, तो मैंने अपने विदर स्केलेटन स्पॉनर के फार्म बनाने के लिए उसको प्लेस किया ओवर वर्ल्ड में, बट कोई भी विदर स्केलेटन स्पॉन ही नहीं हो रहे थे, तो मेरे को उसको फिर से नेदर में लाना पड़ा। और उधर पे प्लेस करते ही बहुत सारे विदर स्केलेटन स्पॉन होने लगे। मैंने एक बेसिक फार्म बनाने के लिए कुछ ब्लॉक्स को प्लेस किया था, पर उनको प्लेस करने पे बहुत कम विदर स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको फिर से हटाया और ऐसे ही विदर स्केलेटन को मारने लगा। और कुछ स्केलेटन को मारने के बाद मेरे को 3 विदर स्कॉल्स मिल गए थे, तो उन स्कॉल्स को लेके मैं एंड में चला गया, एक विदर को स्पॉन किया और फिर उसको मार दिया। और उसको मारने पे मेरे को फिर से एक और नेदर स्टार मिल गया था। मेरे पास इन टोटल 2 नेदर स्टार और 2 येलो हार्ट हो गए थे। फिर मैं अपने माइनर पे चला गया और उधर से अपने सारे रिसोर्सेस को कलेक्ट कर लिया। और तुम लोग देख सकते हो भाई मेरे पास बहुत सारे आयरन हो चुके थे, तो इन सारे आयरन को यूज करके मैं फाइनली अपना पहला बीकन बना सकता था। मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड भी हो गए थे और कुछ डायमंड्स भी थे, बट मेरे पास एमराल्ड नहीं था, तो मैंने अपने माइनर को एमराल्ड को माइन करने के लिए बोला। और भाई सबको पता है यार, एमराल्ड के और बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए मेरे को एमराल्ड्स मिल नहीं रहे थे यार, बहुत कम एमराल्ड्स मिल रहे थे। और मैं अपने डायमंड के ओर्स को भी इनरिचमेंट चैम्बर में डाल के डबल कर रहा था, तो मेरे पास जल्दी जल्दी बहुत सारे डायमंड्स भी इकट्ठा हो रहे थे। अब तक मेरे पास बहुत सारे रेड हार्ट्स भी कलेक्ट हो चुके थे, तो उनको यूज करके मैं अपने हेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता था, यानी कि 10 एक्स्ट्रा हार्ट्स को ऐड कर सकता था। तो मैंने एक हॉट कैनिस्टर बना के पेन लिया और मेरे पास इन टोटल 20 हार्ट्स हो गए थे। ऐसे ही मैं अपने हार्ट्स को 30, 40, 50 तक कर सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को और भी बहुत सारे हॉट्स चाहिए डिफरेंट कलर्स के, जो कि मेरे पास उस टाइम पे नहीं था। मेरे पास अब तक सारे रिसोर्सेस हो गए थे एक फुल्ली मैक्स्ड आउट आयरन का बीकन बनाने के लिए, तो मैंने फटाफट से एक बीकन बनाने का काम शुरू कर लिया। इस बीकन के बाद मेरे को ना एक गोल्ड का बीकन, एमराल्ड का बीकन और डायमंड का बीकन भी बनाना था। और इस वाले वर्ल्ड में ना नेदरराइट का बीकन नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी माइनक्राफ्ट है और उस टाइम पे नेदरराइट आया ही नहीं था भाई, मैक्स ही डायमंड था। और एमराल्ड का बीकन भी बनाना शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई इधर पे ना एमराल्ड का ओर्स मिल ही नहीं रहे थे। उसके
बाद मैंने अपनी जगह को अच्छा दिखाने के लिए कुछ काम किया। फिर अब मेरा अगला प्रोजेक्ट था बहुत सारा गोल्ड और डायमंड को इकट्ठा करना, ताकि मैं उनका भी बीकन बना सकूं। गोल्ड तो मेरे पास अब तक बहुत सारे हो गए थे, तो अब मेरे को बस डायमंड्स को ही माइन करना था। तो फिर अगले कुछ दिनों तक मैंने सिर्फ इतना ही काम किया, मैं डायमंड्स को माइन करता था, अपनी जगह को थोड़ा सा अच्छा बनाता था, थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करता था, और भाई ऐसे ही मेरा दिन निकल जाता था। और एक्सप्लोर करते हुए फिर से मैं एक विलेज में पहुंचा था, और उस विलेज में ना मेरे को असली वाले विलेजर मिल गए थे। मतलब कि इससे पहले ना इस वर्ल्ड में सारे विलेजर्स अजीब होते थे, बट पहली बार विलेजर जैसा विलेजर मिल गया था मेरे को। और उस विलेज के चेस्ट में मेरे को बहुत अच्छे खासे गैजेट्स भी मिल गए, और उनमें से एक गैजेट तो ना मेरे को पॉइजन से बचाता था। मतलब कि इसमें लिखा था कि ग्रांट्स इम्यूनिटी टू पॉइजन, मतलब कि ये बॉस फाइट्स में मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था। और ऐसे ही ट्रैवल करते हुए मेरे को एक और ड्रैगन का एक भी मिल गया, जो कि था एक क्रिम्सन घोर गटर का एक, और उसी के बाजू में मेरे को एक बहुत ही अजीब सा घर भी मिल गया। तो मैं उस घर के अंदर चला गया देखने के लिए, और भाई उधर पे ना कुछ अजीब से लोग रहते थे जो कि बिल्कुल जोकर जैसे दिखते थे। और भाई उनको देखने पे तो मारने का मन नहीं हो रहा था, बट वो लोग ने मेरे को अटैक करना शुरू किए, तो मेरे को भी अपने जान बचाने के लिए उनको मारना पड़ा। और उधर पे ना बहुत सारे प्रेजेंट्स थे, और उन प्रेजेंट्स के अंदर मेरे को ना ग्रीन हार्ट्स मिल रहे थे। मतलब ये सारे प्रेजेंट्स ना मेरे लिए सच्ची में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो रहे थे। कोई कोई प्रेजेंट्स तो खाली थे, बट मैंने उधर के सारे प्रेजेंट्स को ओपन कर लिया, और मेरे को इन टोटल 4 ग्रीन हार्ट्स मिल गए। भाई ये इतना रेयर हार्ट मेरे को ऐसे ही मिल रहे थे इधर पे। अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यूअसली मैं बस इतना ही काम कर रहा था, अपने माइनर को सेट कर रहा था माइन करने के लिए, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था, विलेजेस को लूट रहा था। और एक विलेज के चेस्ट में तो मेरे को ब्लू हार्ट भी मिल गया था। भाई कितना सारा हार्ट्स मिल रहे थे मेरे को। मैं अपने दोनों ड्रैगन के ऊपर बारी बारी बैठ बैठ के ट्रैवल कर रहा था, और मस्त से डायमंड्स को कलेक्ट कर रहा था। अब तक मेरे पास बहुत सारे गोल्ड तो हो चुके थे, और इनफ हो गए थे एक बीकन बनाने के लिए, बट मैं दोनों डायमंड और गोल्ड के बीकन एक ही साथ बनाना चाहता था, इसलिए मैंने अभी के लिए बीकन को नहीं बनाया, और बस डायमंड को कलेक्ट करता ही रहा। मेरे को अपने हार्ट्स को भी येलो तक अपग्रेड करना था, और उसके लिए ना मेरे को बहुत सारे विदर्स को मारने थे येलो हार्ट्स कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने अपने विदर स्केलेटन स्पनर का एक छोटा सा फार्म बना लिया, ताकि मैं इधर से बहुत सारे विदर स्कल्स को कलेक्ट कर सकूं, और उन विदर स्कल्स से विदर को स्पन करके येलो हार्ट्स को कलेक्ट कर सकूं। तो अगले कुछ दिनों तक भाई मैं बस इतना ही कर रहा था। मैं ओवरवर्ल्ड में जाता था, गोल्ड को कलेक्ट करता था, डायमंड्स को कलेक्ट करता था, फिर से नेदर में आता था, विदर स्केलेटन्स को मारता था, और ये करने से मेरे को बहुत सारे विदर बोन्स, बोन्स कोल, और फिर विदर स्कल्स मिल गए। मेरे पास इन टोटल 18 विदर स्कल्स हो गए थे, और अच्छे खासे अमाउंट में डायमंड के ओर्स भी इकट्ठा हो चुके थे मेरे माइनर में। तो मैं फाइनली अपना फुल्ली मैक्स्ड आउट डायमंड और गोल्ड का बीकन भी बना सकता था, और साथ साथ सारे विदर्स को मार के अपना येलो हार्ट को भी मैक्स आउट कर सकता था। मेरे पास पहले से ही 3 येलो हार्ट थे, और मेरे को और 7 येलो हार्ट चाहिए था, और 7 येलो हार्ट के लिए मेरे को 7 विदर को मारना था, और 7 विदर को मारने के लिए मेरे को चाहिए था 21 स्कल्स। तो मैंने कुछ और विदर स्केलेटन्स को मार के 21 स्कल्स को कलेक्ट कर लिया, और फिर सोल सैंड को कलेक्ट करते वक्त ऑलमोस्ट मैं लावा में गिर के मर गया था, और मैं अपने वॉप स्टोन की मदद से सीधा ही ओवरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया और बच गया। और मेरे को इन सारे स्केलेटन से विदर को स्पॉन करना था, और सबको मार के येलो हार्ट्स को कलेक्ट करना था, इसलिए मैं चले गया एंड में और सारे विदर को एक एक करके मार डाला। मेरे पास 10 येलो हार्ट्स हो गए थे, इसका मतलब मैं अपने हेल्थ को इन टोटल 10 हार्ट्स से और भी बढ़ा सकता था। तो मैंने उसके लिए कुछ रेलिक एप्पल्स बना लिया, पर फिर मेरा एमराल्ड्स ही खत्म हो गया, इसीलिए मैं बाजू के विलेज में गया, कुछ एमराल्ड्स को इकट्ठा किया, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स बना लिया, और उन सारे को कंबाइन करके 10 येलो हार्ट कैनिस्टर्स बना लिया। इसका मतलब अब मेरा हेल्थ और भी 10 हार्ट से बढ़ गया था, और तुम लोग देख सकते हो भाई मेरे हार्ट्स ना येलो हो चुके हैं। इसका मतलब भाई मेरे पास इन टोटल 30 हार्ट्स हो गए। और तब तक मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स भी इकट्ठा हो गए थे, तो उन सारे डायमंड से मैंने डायमंड के ब्लॉक्स बना लिया, और अब फाइनली बारी आ गया था अपने डायमंड और गोल्ड का फुल्ली मैक्स्ड आउट बीकन्स बनाने का। तो मैंने फुल्ली मैक्स्ड आउट डायमंड और गोल्ड का बीकन तो बना लिया था, बट एमराल्ड का बीकन बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही एमराल्ड का ब्लॉक था। तो अभी के लिए मैंने बस उसी एक ब्लॉक को रख के एमराल्ड का बीकन को भी कंप्लीट कर दिया था। तुम लोग देख सकते हो भाई क्या ही चिंदी लग रहा है मेरा एमराल्ड का बीकन। तुम लोग चिंता मत करो, 300 डेज में हम अपना एमराल्ड वाला बीकन को भी कंप्लीट कर देंगे। और मेरा ना ये इंक्यूबेटर वाला जगह पे भी अभी तक छत नहीं लगा था, और इसकी वजह से थोड़ा सा गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने फटाफट से उसके ऊपर भी एक नॉर्मल सा छत लगा दिया। मेरा इंचेंटमेंट सेटअप में भी अभी तक छत नहीं था, तो मैंने उधर पे भी एक नॉर्मल सा छत दिया, और फिर अपने छत को कंप्लीट कर दिया। ये सब करने के बाद मेरा एरिया थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा था, बट अभी भी मेरे घर के बाजू में इतने सारे विंड जनरेटर्स थे, और इनके वजह से मेरा एरिया थोड़ा मेसी लग रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन सारे जनरेटर्स को ना इधर से कुछ दूर लेके जाऊंगा, और उधर पे ही प्लेस करूंगा, और अपने पावर को अंडरग्राउंड से होते हुए अपने घर तक लेकर आऊंगा। मैंने अपने बाजू वाले हिल में ही सारे विंड जनरेटर्स को रख दिया, और फिर अंडरग्राउंड से होते हुए अपने पावर को भी बेस तक लेकर आ गया। अब मेरे को एक फैक्ट्री भी बनाना था, जिसके अंदर ना मैं अपने सारे मशीन्स को रखने वाला हूं, और मेरे को अपने फैक्ट्री
को डार्क कलर के ब्लॉक से बनाना था। वैसे तो मैं ब्लैक स्टोन को यूज करने वाला था, बट इस वर्ल्ड में ना ब्लैक स्टोन होते ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दूर जाके मैंने कुछ स्प्रूस के वुड को कलेक्ट कर लिया और फिर अपने फैक्ट्री बनाने का काम को शुरू कर लिया। वैसे ये फैक्ट्री है, इसीलिए इसके अंदर ना मैंने विंडोज वगैरह को भी ऐड नहीं किया है, बस सिंपल सा प्लेन डिजाइन किया है। मैं अपने सारे मशीनरी चीजों को इन फैक्ट्री के अंदर रखने वाला था, क्योंकि भाई ये मशीन ना बहुत ज्यादा आवाज करते है और ये आवाज बहुत इरिटेटिंग होता है। और मेरा फैक्ट्री भी कम्प्लीट हो गया था, बस मेरे को फ्लोर करना बाकी है जो कि मैं बाद में करने वाला हूँ। अभी के लिए ना मेरे को अच्छा वाला खाना बनाना था। और भाई मेरे को एक बहुत ही ओपी सा रेसिपी मिला जो कि बहुत सस्ते में मिलता था और वो 13 तंगड़ी और 31 सैचुरेशन देता था, तो मैं इस खाना को बना लिया। ये खाना ना मेरे को बॉस फाइट वगैरह में बहुत ही काम आने वाले, बहुत ही अच्छा है यार ये खाना। फिर मैंने तो ड्रैगन के एक्स को इंक्यूबेटर में डाल दिया इंक्यूबेट करने के लिए, और मैंने तभी रियलाइज किया कि मेरे पास अब तक अपना इंक्यूबेटर भी मैक्स लेवल का नहीं है भाई, सिर्फ एक लेवल का था मेरा लावा वाला इंक्यूबेटर। तो मैंने फटाफट से सारे के सारे अपग्रेड्स बना लिया और अपने दोनों इंक्यूबेटर को लेवल 5 का मैक्स अपग्रेड दे दिया। तब तक मेरे दोनों ड्रैगन के एक्स भी इंक्यूबेट हो चुके थे, तो मैंने उन दोनों एक्स को बारी बारी करके हैच किया और पहला ड्रैगन का नाम रखा मैंने बुल्ला, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, और मैंने दूसरा ड्रैगन का नाम रखा गटर बहादुर, क्योंकि भाई उसका स्पीसीज का नाम ही क्रिमसन गोर गटर था, तो गटर बहादुर गोर गटर समझ रहे हो। तो मेरे को इन दोनों ड्रैगन को ट्रीट को देके बड़ा करना था। मेरे पास बहुत सारे चिकन्स पड़े हुए थे जो कि मेरे को अपने फार्म से मिले थे, बट जब मैंने उन चिकन्स को अपने स्वॉर्ड से मारा तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मेरे स्वॉर्ड में फायर एस्पेक्ट लगा हुआ है, बट ड्रैगन ट्रीट के लिए मेरे को कच्चा वाला चिकन का फ्लेश चाहिए था, इसीलिए मैंने अपने स्वॉर्ड को डिसइंचेंटमेंट टेबल में रख के उससे फायर एस्पेक्ट वाला इंचेंट को हटा दिया और फिर अपने स्वॉर्ड से चिकन्स को मारने लगा। मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगा हुआ था, इसलिए मेरे को बहुत जल्दी जल्दी चिकन के फ्लेश मिल रहे थे, तो उन सारे फ्लेश से मैंने बहुत सारे ड्रैगन के ट्रीट बना लिया और फिर अपने बुल्ला को देके बड़ा कर लिया। पर इस बार ना मैं अपने ड्रैगन को 25 लेवल से ऊपर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होंगे और भाई बहुत मुश्किल होता है उनको राइड करना। तो मैंने अपने बुल्ला को लेवल 25 कर लिया और तुम लोग देख सकते हो भाई कितना बड़ा है सिर्फ लेवल 25 में। ये मेरा 100 लेवल का शैडो से भी बड़ा हो चुका था, और जितना कि मेरे को पता है इसका स्पीसी से बी विल्डर बीस्ट और ये ना इस वाले वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रैगन होता है, बट भाई मैं इसको ना इससे बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऑकवर्ड लगता है यार उतना बड़ा ड्रैगन। मैंने अपने दूसरे ड्रैगन गटर बहादुर को भी लेवल 25 का कर लिया और भाई ये भी कितना क्यूट लग रहा था उठते वक्त, तो मैंने इसका भी छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले लिया और फिर अपने सारे ड्रैगन्स को ऑर्ब्स में अच्छे से मैनेज करके रख दिया। फिर मैंने अपने स्वॉर्ड में थोड़ा सा इंसेंट लगाए और फिर से अपने पुराने बेस में चला गया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे रोटन फ्लेश की जरूरत पड़ने वाली थी। उधर मैंने एक मॉब फार्म बनाया था, तो उधर से मेरे को बहुत सारे रोटन फ्लेश मिल गए, तो मैंने उन सारे रोटन फ्लेश को लेके वापस अपने बेस में चला आया। फिर मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन को क्रशर में डाला और ये करने से मेरे को ग्रैबल मिल गए, तो उन ग्रैबल को तोड़ के मैंने बहुत सारे फ्लिंट बना लिया। और ये सब चीजें ना मैं अपने लिए माइनर स्ट्यू बनाने के लिए कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि उस फूड को बनाने के लिए मेरे को फ्लिंट रोटन फ्लेश डायमंड गोल्ड सब कुछ चाहिए था। मैंने बहुत सारे माइनर स्ट्यू को क्राफ्ट कर लिया था और उसको खाने पे मेरे को स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस वाले इफेक्ट भी मिल जाते थे। भाई कितना ओपी था यार ये वाला खाना। और अब तक ना मैं बहुत ओपी बन चुका था, मेरे पास 30 हार्ट्स हो गए थे, बहुत ही अच्छा वाला खाना भी बन चुका था और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका था नया एडवेंचर के लिए। तो मैंने फटाफट से नया डायमेंशन में जाने के लिए एक पोर्टल बना लिया जो कि इस तरह से बनता है। अब मैं जाने वाला था ट्वाइलाइट फॉरेस्ट में, जहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब किस्म के बोसेस मिलने वाले है मेरे को। तो मैं इस पोर्टल से अंदर घुस गया और पहुंच गया ट्वाइलाइट फॉरेस्ट डायमेंशन में। उधर पे सबसे पहले मेरे को एक बहुत ही बड़ा सा घर दिखा जो कि बिल्कुल एंड सिटी जैसा लग रहा था, बट जब मैं उसके पास गया तो मेरे चारों तरफ बहुत सारे येलो स्क्वायर बॉक्सेस आने लगे। और ये येलो बॉक्सेस का मतलब था कि अभी तक मैं उस एरिया में जाने के लिए लायक नहीं हूँ। सबसे पहले ना मेरे को उससे पहले वाले बॉसेस को मारना था। और भाई ये डायमेंशन ना बहुत ही अजीब था यार, बायोम्स के हिसाब से ना मेरे को बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते थे, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अभी मेरे को हंगर वाला इफेक्ट मिल रहा है और ये लाल वाले बायोम में जाने पे मेरे को फायर वाला इफेक्ट मिलने लगेगा। तुम लोग देख सकते हो भाई मेरे को अभी ना मेरे शरीर पे आग लग रहा है। भाई ये तो अच्छी बात थी कि मैं बहुत ही ओपी बन के इधर पे आया हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग में इधर पे आता तो भाई मैं कब का मर जाता। फिर ना मैं एक बहुत ही ऊंचा सा पेड़ के ऊपर चढ़ा और उधर से मेरे को एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा और ये स्ट्रक्चर मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके ओर बढ़ने लगा। मेरे को कोई भी फॉल डैमेज नहीं मिलता था, इसलिए कूद कूद के मैं उसके ओर बढ़ा और उधर तक पहुंच गया। और जब मैं उधर पहुंचा तो एक बॉस का बार आ गया और इस बॉस का नाम था नागा। उधर पहुंच के मेरे को पता चला कि ये एक सर्पेंट वाला बॉस है और इससे फाइट करने के लिए मैंने अपने चारों के चारों ड्रैगन्स को समन कर लिया और फिर इससे फाइट करना शुरू कर लिया। और मेरे पास एक गैजेट भी था जो कि शायद तुम लोगों को याद होगा, जो कि मेरे को विलेज से मिला है और उस गैजेट की वजह से मेरे को पॉइजन से डैमेज नहीं मिलता है, तो मैंने उसको भी पहन लिया था। शायद इसी कारण हो सकता है नागा मेरे को कुछ भी डैमेज ही नहीं कर पा रहा था, इंस्टेड मेरे ड्रैगन्स एक दूसरे को मार रहे थे। भाई तुम लोग देख सकते हो शैडो वाज ब्लोन अप बाय गटर बहादुर, बुल्ला वाज ब्लोन अप बाय शैडो, भाई क्या चल रहा था यार। तो ऐसे ही कुछ टाइम तक नागा मेरे बीच में फाइट चलता ही रहा और कोको और गटर बहादुर भी मेरे साथ थे जो कि मेरे को हेल्प कर रहे थे फाइट करने में, और हम तीनों ने मिलकर कुछ ही टाइम में नागा को मार दिया। और उसको मारने पे मेरे को एक येलो हार्ट, कुछ नागा के स्केल्स और एक नागा ट्रॉफी मिल गया था। उसके बाद फिर से मेरे को आसमान में एक अलग सा स्ट्रक्चर दिखा और मैं
के और बढ़ा और जब मैं उधर पे पहुंचा तो भाई उधर पे बहुत ही अजीब सा चीज मिला मेरे को भाई। उधर पे लिटरली एक और कॉपी था, मतलब उधर पे मैं ही था भाई। लाइफ में पहली बार मैं इस तरह की चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था, पर वो बड़ा वाला कॉपी ना फ्रेंडली नहीं था, वो मेरे को मारने लगा, इसीलिए मेरे को भी उसको मारना पड़ा भाई। वो लिटरली एक बॉस था उधर का, वो इतना बड़ा था बट फिर भी वो मेरे जितना ताकतवर नहीं था, तो मैंने उसको आसानी से मार दिया। और उसको मारने पे मेरे को एक बहुत ही बड़ा सा पिकैक्स मिल गया, बट तभी मैं देखता हूँ कि वो फिर से रिस्पॉन हो गया है। और इस बारी उसके पास आयरन का आर्मर था भाई, वो भी मेरे तरह रिस्पॉन हो सकता था, बट इस बारी भी मैंने उसको आसानी से हरा दिया। और इस बारी उसको मारने पे मेरे को एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन का स्वॉर्ड मिल गया। तो इन सारे चीजों को लेके मैं उधर से निकल गया, और फिर मैं देखता हूँ कि वो बड़ा वाला स्ट्रक्चर में जो येलो बार्स थे वो सारे बार्स अभी हट चुके हैं। इसका मतलब इधर का बॉस से मैं अब फाइट कर सकता था। तो मैं उड़ते हुए सीधा ही उस वाले स्ट्रक्चर के मेन रूम में घुस गया, और उधर पे बहुत सारे पेंटिंग्स लगे हुए थे। और जब मैं थोड़ा सा नीचे गया तो एक बॉस का बार प्रकट हुआ, इसका मतलब ना इस स्ट्रक्चर का बॉस से भी मेरा मुलाकात हो चुका था। तो मेरा उससे फाइट शुरू हो गया, और स्टार्टिंग में तो ना उसको कुछ भी डैमेज ही नहीं पड़ रहा था, इसीलिए मेरे को गूगल में देखना पड़ा कि उसको कैसे मारते है। और गूगल से मेरे को पता चला कि मेरे को ना उसके डैमेज को उसी पे वापस कर देना था, और ये करने पर ही उसको डैमेज मिल जाता था। और ये चीज पता चलने के बाद तो मैंने उसको बहुत ही आसानी से हरा दिया। और उसका येलो वाला हेल्थ खत्म होने के बाद फिर से एक पर्पल वाला हेल्थ बार आ गया, बट इस बार उसको मारना बहुत ही आसान था। तो मैंने उसको अपने स्वॉर्ड को यूज करके बहुत ही आसानी से मार दिया, और उसको मारने पे मेरे को बहुत सारे ग्रीन हार्ट्स भी मिल गए थे। और इस बॉस को मारने के बाद मेरे इस वर्ल्ड में पूरे के पूरे 200 डेज कंप्लीट होने ही वाले थे, बस एक ही दिन बाकी था। इस डायमेंशन में मेरे को अभी भी बहुत सारे चीजों के बारे में जानना है, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन करना है, बट फिलहाल तो भाई 200 डेज कंप्लीट होने ही वाले है, इसीलिए मैं वापस अपने डायमेंशन में लौट गया। और फाइनली इस वाले वर्ल्ड के अंदर मेरा पूरा का पूरा 200 डेज कंप्लीट हो गया था। पता है कि उस ट्वाइलाइट फॉरेस्ट में और भी बहुत सारे किस्म के बोसेस है, तो उन सबको भी मेरे को मारना है, बट अभी तो मैं नहीं मार सकता क्योंकि अभी मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, मेरा 200 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस वर्ल्ड को और भी कंटिन्यू करूं तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। और गाइस इस चैनल में इन दिनों वीडियोस बहुत लेट हो रही है क्योंकि ना मैं अपने बहुत ज्यादा टाइम स्ट्रीमिंग में दे रहा हूं, जो कि मैं अपने दूसरे चैनल कॉपी ओपी पे करता हूं। तो अगर तुम लोग भी स्ट्रीम्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।